ये लोग धंधा बना लिया है। ये पिछले बार की भी जो है इन्होंने सीट बेचने का काम किया था, पकड़ा गया। अभी भी सीट बेचने का काम किया, पकड़ा गया। ये लोग पूरी तरह से सेटिंग गेटिंग करके क्वेश्चन आउट करके ये लोग बेचना चाह रहे हैं, और लिपा पोती करने के लिए ये लोग इंटरनेट बंद कर दिया। आपको पूछते हैं, जब सेंटर में जैमर लगा है तो अगर सेंटर से आउट होता तो ये आपको वहां जैमर लगाएगा, किसी का फोन नहीं लगता, तो इंटरनेट बंद करने का क्या बात था? सीधा बात बता रहे हैं, ये जो कब हुआ गाना नहीं है कि दिया बुता के तूने क्या क्या किया, ये यही हाल हुआ कि इन्होंने इंटरनेट बंद करके सब खेला किया। ये इंटरनेट बंद रहेगा तो वो वायरल नहीं होगा। और ये बार बार जो आप इसको बता रहे हैं ना, ये आपका जेएसएससी बोलता है हमने जांच कमेटी बना दिया। अभी तक 2-3 जांच कमेटी बैठाया। हम लोग एक ही बात पूछना चाहते हैं कि पेट खराब है तो दवा खाने से पेट भरेगा कि चड्डी बदलने से हमार वहाँ लूज मोशन ठीक होगा? सो बताइए तो, दवा खाने से होगा ना? ये बार बार चड्डी बदल रहे हैं, कभी एसआईटी तो कभी कमिटी तो कभी जेएसएससी कमिटी। और इसका एक ही उपाय है कि इसको सीजीएल परीक्षा रद्द करना पड़ेगा। रद्द मने रद्द। और इसका अगर नहीं करते हैं तो ये झारखंड के छात्रों के साथ अन्याय होगा, पढ़े लिखे छात्रों के साथ अन्याय होगा। और मैं बता रहा हूँ इसका बहुत भयानक परिणाम होगा। 6.5 लाख बच्चों के भविष्य का सवाल है। आपको बताते हैं 2000 बच्चा 5000 बच्चा सेटिंग गेटिंग किया है, बकिया जो है 6,45,000 पढ़ने वाला लड़का है, उसके भविष्य का सवाल है। और इसके लिए हम लोग पीछे नहीं हटेंगे, हर हाल में यहाँ से रद्द करा के ही जाएंगे। वोट का अगर जांच का ही बात ठीक है मान लेते हैं तो हम लोग को पागल कुत्ता कटा है कि हम लोग ना समझ है काहे आंसर की जा रही किया है, काहे रद्द प्रक्रिया वो कर रहे हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं कि 10-15 तारीख को जो है कि हम रिजल्ट देंगे। अगर जांच ही हो रहा है तो आंसर किया भी जारी नहीं करना चाहिए, अभी कॉपी काटने का प्रक्रिया को बंद करना चाहिए, रिजल्ट आने की बात नहीं करना चाहिए। हम लोग को उल्लू समझ के रखा है क्या इन लोग? हम बता देना चाहते हैं जेएसएससी चेयरमैन को, यही कार्यालय, यही परीक्षा, यही मैदान, इतिहास बोल नहीं सकता है। 31 दिसंबर 2023 को आंदोलन से रिजल्ट आया था, आंदोलन से फैसला हुआ था, और आंदोलन से ही निर्णय हुआ था, और एक आधिकारिक नोटिस जारी हुआ था और एग्जाम कैंसिल हुआ था। हम लोग पर लाठी भले पड़ा था, हम लोग पर FIR भले हुआ था, हम लोग को जेल भले जाना पड़ा था, लेकिन इतना स्टूडेंट का भविष्य को हम लोग बचा पाए थे, बेचा हुआ नौकरी को हम लोग बचा पाए थे। और जो है कि पूर्व चेयरमैन नीरज सिन्हा जी को कार्यालय छोड़ के भागना पड़ा था, और अभी कई अधिकारी पदाधिकारी पेपर लीक करने वाले जेल में भी है। तो उसी प्रकार अगर हम लोग का मांग को नहीं माना जाएगा तो वर्तमान चेयरमैन प्रशांत जी को, सचिव सुधीर जी को हम कहना चाहते हैं, आपको भी कार्यालय छोड़कर उसी प्रकार भागना पड़ेगा जैसे पूर्व के चेयरमैन नीरज सिन्हा को भागना पड़ा था। रविंद्र जी, एक सवाल है कि आप लोग परीक्षा जो है वो रद्द कराने की मांग कर रहे हैं, दूसरी ओर सरकार जो है रिजल्ट घोषित करने के पीछे पड़ी हुई है। वही तो कह रहे हैं, फिर जांच का कहां बात आ रहा है बीच से? हम लोग मांग कर रहे हैं नौकरी बचाने का बेचा हुआ, और रिजल्ट निकालने में आतुर है, मतलब हर धर्मी है वो अपना सत्ता के नशा में जो है कि गुरूर में है, हम लोग की बातों को नजरअंदाज किया जा रहा है। ये देखिए, हजारीबाग से पैदल चल के आए स्टूडेंट, झारखंड के 2400 जिला से कोना कोना से पैदल यात्रा कर करके स्टूडेंट आ रहे हैं, इतना मेहनत से, इतना मुश्किल से, और आज देखिए क्या छात्र का बात को सुना नहीं जा रहा है। तो हम यही कहेंगे कि हम लोग को यही फैसला चाहिए, यही निर्णय चाहिए, जैसे 31 दिसंबर 2023 को हम लोग का निर्णय है। आपको सुझाव नहीं दे रही है, आपको थोड़ी सी भी कान में छोड़े रेंग रहा है, और आप तेल लगा के सोए हुए हैं। आप थोड़ा सा विश्राम कीजिए, थोड़ा सा विश्राम कीजिए, और आपसे आग्रह है, अगर अभी तक आपको थोड़ी सी भी लाज है या शर्म बाकी है तो आप आइए, हम लोग से वार्ता कीजिए। आप जो सवाल पूछिएगा उसका हम लोग जवाब देंगे, आप जो भी सबूत मांगिएगा उसका हम सबूत देंगे, और अगर उस सबूत में आप लोग फेल हो गए और वो सबूत गलत निकला तो हम लोग शासकीय से घर चल जाएंगे, आपका सब कुछ ठीक ठाक रहेगा। आप वहां जरूर आइए, और आप जहां कहीं भी आए तो आप देखिए, इसके लिए हम लोग को छोड़ के गए थे, इसके लिए छोड़ के गए थे हम लोग, रेंगते रहे कीड़े मकोड़े की रेंगते रहे, इसके लिए
हमारे गुरु में जो शहीद हुए उनका खून का हक मांगने आए हम लोग, और अपना पसीना खून पसीना एक करके हम लोग, हमने कितना दिन से परीक्षा के एग्जाम का तैयारी की है, अपना सारा रोटी खा खा के नहीं कुकी क्या बोलते हैं अपना खाली पेट खा खा के अपना माँ बच्चा का अपना बाप अपना जो दादा पिताजी है परिवार का भरण पोषण नहीं कर पा रहे, फिर भी हम लोग खाली पेट बासी भात खा खा के यहाँ पर आए हैं। गरीब का जो हाल लगता है प्रशांत कुमार, तो आप ही जान जाइएगा काफी दिन आप इन सबको वहां भी जगह मत दीजिएगा जहां पर ये लोग जाएंगे। और सिद्धू कानू आप ही देख लीजिए, ये जो दुमका पर हेड का बात करता है आप उसी के धरती कैसे हैं आप देख लीजिए। बहुत अच्छा बहुत अच्छा सबको मौका मिलेगा, सबको अपना बात कर सकते हैं। एक बार जोरदार नारा होना चाहिए दादा के लिए, दादा आवाज अंदर तक जाना चाहिए। Come on, 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 come on